देख सकते हो पंखे की स्पीड बहुत कम है इस गर्मी में, आप देख सकते हो कितना कम है। और यहाँ पे आप वोल्टेज भी देख सकते हो, ये रहा हमारा कैपेसिटर, इसको मैं लगाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, तो आप इसका गति देखिए दोस्तों, इसका काफ़ी तेज़ हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने घर में जो भी पंखे का आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस बोर्ड में दो रेगुलेटर है और एक फैन का, देख सकते हो स्पीड, आप देख सकते हो कितना कम है, आप देख सकते हो। और 5 पे ये पंखा चल रहा है, देख सकते हो इसका पॉइंट जो है 5 पे है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, मीटर के प्रोब को लगाता हूँ इसमें, और आप देख सकते हो इस बोर्ड में जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको शो करवा देता हूँ कितना वोल्टेज है। देख सकते हो आप यहाँ पे 214 के करीब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सोचिए दोस्तों कितना कम है इस पंखे का स्पीड। तो इसमें मैं अभी लगाने वाला हूँ कैपेसिटर, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, किस प्रकार से आप कर सकते हो आसानी से अपने घर पे। तो जिस प्रकार से मैं बताऊंगा दोस्तों, आप उसी प्रकार से करिएगा। अगर आप किसी और तार को अगर लगाते हो, ये देख सकते हो मेरा कैपेसिटर, तो यहाँ पे कवर को मैंने हटा लिया है दोस्तों, देख सकते हो। और चलिए यहाँ पे फ्लैश लाइट जला लिया है ताकि आपको दिख वीडियो बन दिखने में अच्छा रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू और रेड वायर को खोलना है, येल्लो वायर को नहीं खोलना है, नहीं तो फिर आप गर्मी में बेकार में परेशान हो जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर का जो वायर है उसी दोनों पॉइंट को खोलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेड है वो हमारा मेन लाइन में कनेक्ट है, बाकी ब्लू है जो बीच वाले टर्मिनल में रेस्ट मोड पे, ठीक है। तो आपको ब्लू को लाइन में नहीं कनेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ, और मैं यहाँ पे एक हाथ से बना रहा हूँ वीडियो दोस्तों, और यहाँ पे पंखे का वायर भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को देख लीजिएगा। चलिए इस कैपेसिटर को जो है हटा लेते हैं, और इसके जगह में जो नया कैपेसिटर है उसको मैं लगा लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया, और यहाँ पे वायर को भी मैंने ट्विस्ट कर दिया। अब चलिए दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर कनेक्शन किया हुआ था, जो हमारा ब्लू वाला था वो रेस्ट वाला जो टर्मिनल में था, और जो हमारा रेड था वो लाइन के टर्मिनल में था, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम सेम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो मेन लाइन का जो वायर है उसको भी कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोस्तों, एक हाथ में मोबाइल है इसलिए मुझे टाइट करने में इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और मैं इसे ऊपर ही लगा हुआ है पंखा दोस्तों, और वहीं पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से हाइट पे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए इसको अच्छा से टाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस कवर को जो है स्लाइड करके नीचे लगा देते हैं, फिट कर देते हैं। देखिए ये हमारा हो गया। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस फैन का। देख सकते हैं वोल्टेज अभी करीब हमारा 209 के करीब दिखा रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलेटर का पोजीशन वो पाँच नंबर पे है, ठीक है। चलिए इस स्विच को ऑन करते हैं, और उसके बाद देखते हैं इस फैन का स्पीड। अभी वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा दोस्तों। चलिए यहाँ पे देख सकते हो फैन हमारा चालू हो गया है। तो आप इसका गति देखिए दोस्तों, इसका काफ़ी तेज़ हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने घर में जो भी पंखे का आपका स्पीड कम हो गया, तो कुछ इस प्रकार जो है पंखे को स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।